क्या है ये? अरे क्या हो गया? ये तुम्हारा लव लेटर। ये सब करते तो तुम शादी से पहले। क्या लिखा है इसमें कि तुमने उसके साथ किस की है? अपनी आशिकी के चिट्ठे लिखे हुए इस लेटर में। और क्या क्या हुआ था वो भी बता दो मुझे। यही तो सुनना रह गया मेरे को शादी के बाद, यही तो सुनूंगी अब मैं। ये सफाई करते करते तुम्हारी आशिकी की चीजें मिलेंगी मुझे कबर्ड में, यहाँ वहाँ। नहीं मतलब और कुछ भी है जो घर में बेड के नीचे या यहाँ कहीं छुपा रखा है? अगर वो है नहीं तो बता दो मुझे। क्या बकवास कर रही है तू? तुझे बता भी है तू क्या बोल रही है? क्या बकवास कर रही हूँ? नहीं बता दो मुझे क्या बकवास कर रही हूँ? नहीं तुम बता दो ना मुझे। मुझे तो एक लव लेटर मिला है, वो भी गलती से मिल गया। मिलता भी नहीं, तुम तो बताते भी नहीं। अब क्या फायदा उसकी निशानियां रखने का जब वो पास थी? क्यों रखा है इसको घर? मुझसे हो गई ना शादी, तो ये क्यों मिल रहा है मुझे? अनुष्का जब तुझे पता नहीं है ना तो मत बोल। तुझे पता है तू इल्जाम क्या लगा रही है मेरे पे? देखो ऐसा है ना, तुम मेरे पति हो, पति मतलब तुम समझ रहे हो ये सब इमेजिन करते हुए भी? छी। अरे अनुष्का शादी से पहले मैंने तुझे बताने की कोशिश करी थी पर तूने मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है। अरे तो क्या हो गया? बोल दिया तो बोल दिया उस टाइम कि नहीं मतलब पास से। हर लड़की बोल देती है नया नया रिश्ता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारी करतूतें मेरे सामने आती रहेंगी और मैं ऐसे कहूंगी नहीं जी मुझे तो कोई मतलब नहीं है, बीवी हूँ तुम्हारी मैं। नहीं ये सब चीजें पहले भी चलती हैं या आजकल भी चल रही हैं? कोई लौंडियाबाजी अभी भी हो रही हो? देख मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि जो भी बात है वो क्लियर कर लेते हैं, पर तूने मना कर दिया, तूने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, तो अब क्या लड़ने की जरूरत है तुम्हें मुझसे? अरे तो तब लेटर नहीं मिला था ना, लेटर मिलना होता तो शादी नहीं करती तुमसे। ऐसे पति से शादी करूंगी मैं जो 36 लड़कियां घुमा चुका है मेरे से पहले? कैसे कर लूं तुम पे ट्रस्ट कि तुम अभी भी नहीं घुमाते हो? मेरा जैसा लड़का मतलब? अरे मैं क्या करूं अगर तुम्हें ये मिल रहा है तो? मैंने तो तुम्हें पहले बताया था कि मेरे पास है। तुम्हारे जैसे लड़के मतलब तुम्हारे जैसे लड़के जो 36 लड़कियों को घुमाते हो? लिखा है इस लेटर में पता नहीं क्या क्या कि ये किया वो किया। अरे मैंने शादी से पहले ही तुमको बताया था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था, और अब ये लेटर तुम्हें मिल गया वो, और इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं 36 लड़कियों को घुमाता था? जज नहीं कर रही हूँ तुम्हें, कोई चीज जो मुझे मिली है उसका जस्टिफिकेशन मांग रही हूँ तुमसे। पूछ रही हूँ कि ये क्या है, क्यों है और अभी तक इस घर में क्यों है? और बीबी हूँ तुम्हारी इसलिए ज्यादा फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ना भी चाहिए। नहीं मतलब मेरी कोई चीज तुम्हें आज तक मिली है ऐसे? नहीं मिली ना, क्योंकि मेरा कोई मतलब नहीं रहा है। और तुम लड़कों का ही पास्ट क्यों होते इतने? हम लड़कियों को तो नहीं होते। और हम लड़कियों का कुछ मिल जाए ना तो तुम्हारी जो सुलगेगी ना। और अभी भी ना तुम ना सॉरी नहीं बोल रहे हो मुझसे, तुम बहस कर रहे हो मुझसे, तुम जस्टिफाई कर रहे हो तुम्हारी करतूतों को। तुम्हें ना सॉरी बोलना चाहिए अभी मुझसे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मेरे होते हुए मेरे को घर में ये चीजें मिल रही हैं। अरे जो पास्ट में हो चुका है मैं उसके लिए माफी क्यों मांगूं? और मुझे नहीं पता ये तुम्हें कहाँ मिल गया, घर में कैसे आया? नहीं अच्छा हुआ ये लेटर मुझे मिल गया, नहीं तो मैं तो तुम्हें पति परमेश्वर समझ के बैठी हुई थी। नहीं मुझे पता चल गया ना कि मेरे पति की क्या क्या हरकतें रही हैं मेरे से पहले। अनुष्का मेरा जो पास्ट था उससे मुझे क्या मतलब? अब जो मेरा प्रेजेंट है मुझे तो उससे मतलब है ना, सिर्फ मैं और तुम। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस बात पे लड़ क्यों रही है, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, इस पे बहस करे जा रहे हैं। और अनुष्का मैंने तो कभी नहीं पूछा तुम्हारे पास्ट के बारे में, पूछा है कभी? नहीं मैंने तुम्हें कभी बताने को मना किया? तुम पूछो मैं बता दूंगी, और मैंने तो तुम्हें पहले ही सब बता दिया है, मैं क्या बताऊंगी? और मेरी कोई चीज तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस घर में नहीं मिली है, तुम्हारी चीजें मिली हैं। अब मिल गया लेटर, अब क्या करना है? ऐसे लड़ाई करते रहोगे? बताओ क्या करना है, बताओ ना मुझे, बताओ। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कितनी बड़ी बात है? तुम ना एक काम करो, तुम रहो इस लेटर के साथ और अपने छाती से लगा के रखो इसे। मैं जा रही हूँ अपने घर, और आशीष मेरे को ना कॉल मत कर दो। जब तक तुम इस गलती के लिए माफी नहीं मांग लोगे ना मेरे आगे, तब तक मेरे से बात मत करना। अरे अनुष्का अनुष्का।